उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के बालासराय पेट्रोल पंप के पास हेलीकॉप्टर से चुनावी जनसभा करने पहुंचे। यहां पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीन चरण का मतदान हो चुका है, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तीन चरणों के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान हो रहा है। पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित करवाना चाह रहा है। किसान का हक उसको मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, बेरोजगारों को रोजगार मिले। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर प्रदेश की जनता पांचवी बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अयोध्या में जितनी भी सीटें हैं सब बसपा को मिलने जा रही हैं। भाजपा ने अयोध्या को बहुत धोखा दिया है, राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अयोध्या के लोग भी यह जान लें उनके साथ धोखा हुआ है और वह भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएं। दरअसल आज सतीश चंद्र मिश्रा बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी सुनील पाठक के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे थे। हम लोग तीन चरण हो चुके हैं, चौथे चरण का वोट आज पड़ रहा है और 6 बजे तक, शाम के 6 और 7 बजे तक आप सब लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि जो बात हमने कही है वो सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और जो लोग अभी तक बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, अभी से लगने लगा है। वो लोगों ने भी समझ लिया है जब तक तीन चरणों के बाद कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट पड़ रहा है और पूरा प्रदेश अब कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित कराना चाहता है, जहां पर कि किसान का हक उसको मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी मिले और रोजगार मिले, उनको बाहर धक्के ना खाने पड़े जा करके। आज सभी लोग जो हैं एक तरफा जो है बहन मायती जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और उसका आज भी जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे तो उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि अयोध्या में जितनी भी सीटें हैं, अयोध्या में बहुत धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन अब पूरा प्रदेश के साथ साथ में अयोध्या के लोग खास तौर से ये जान गए हैं।